हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो चैप्टर 9 का हम एसीक्यू कर रहे थे, ट्रांसवर्सल एंड मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर 9 का। तो उसमें हमने एसीक्यू का एमसीक्यूज तो पहले ही कम्प्लीट हो चुका है। एसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था, दो क्वेश्चन रह रहे थे, तो आज इस वीडियो में हम इसे कम्प्लीट करेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे फर्दर अगर 10th में आप जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी में बी और सी एफ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बी और सी एफ मध्यमिकाएं एक दूसरे को जी बिंदु पर कट करती हैं, पी और क्यू क्रमशः बी जी और सी जी के मध्य बिंदु हैं, पी क्यू 3 सेंटीमीटर हो तो बी सी की लंबाई कितनी होगी। इसमें उसे मैं इंग्लिश में भी एक बार बताती हूँ और पिक्चर ड्रॉ करते हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और इसे करते जाएंगे। ये ट्रायंगल एबीसी, तो पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं एबीसी। सपोज दिस इज द ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी एंड सी एफ आर द मीडियंस, मीडियन मतलब मध्यमिका है, मीडियंस जो मिड पॉइंट को मीट करती है, बी ई एंड सी एफ है, तो बी ई यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, बी ई है तो बी ई ये हो गया ई, एंड सी एफ, सी से एफ तक जाएगा तो ये यहाँ हो सकता है इसका मिड पॉइंट, ए सी का, ए बी का मिड पॉइंट हो सकता है। तो बी ई एंड सी एफ क्या करते हैं, एक दूसरे को जी पर कट करती हैं, जी जी पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। पी द मिड पॉइंट ऑफ बी जी एंड सी जी, बी जी, बी जी का मिड पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और सी जी का मिड पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, एकदम मिड पॉइंट है दोनों का। ये क्या क्या कर रहे हैं, पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, सॉरी ये पी और क्यू है रिस्पेक्टिवली, मतलब बी जी का मिड पॉइंट पी होगा और सी जी का मिड पॉइंट क्यू होगा, ठीक है। देन अब क्या करना है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी क्यू का लेंथ दे दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर इसका लेंथ दे दिया हुआ है, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, तो हमें क्या करना है कि बी सी का लेंथ, बी सी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये जो जितने भी यहाँ पे जो थ्योरम्स हैं, छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, ये सारे रिलेटेड हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, तो बस उसी का यूज़ कर लेंगे। हमारे पास पहले दिया क्या हुआ है, गिवन गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी जी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी जी, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे कि पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ मतलब पी और क्यू मध्य बिंदुए हैं मिड पॉइंट्स ऑफ बी जी, बी जी एंड सी जी, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे इस तरीके से लिखेंगे, पी और क्यू मध्य बिंदुए हैं बी जी और सी जी के, ठीक है। तो जब मिड पॉइंट होता है और जो ये लाइन है, आप देख सकते हैं ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे मैंने एक्स नाम दे दिया, इन ट्रायंगल बी सी एक्स, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये चीज़ें हो रही है। जब इस तरीके से ट्रायंगल हो और मिड पॉइंट्स से कुछ मिल रहा है तो ये पी क्यू ऑब्वियसली पैरेलल होगा बी सी के, हैंस बाय द मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट हैंस इट इज़ पॉसिबल टू राइट बी सी इज़ पैरेलल टू पी क्यू और पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये पैरेलल है, अगर जब ये पैरेलल हुआ मिड पॉइंट्स है तो दूसरा ये भी कंडीशन आता है कि जो पी क्यू है हाफ ऑफ बी सी होगा, हाफ ऑफ बी सी होगा, क्यों, क्योंकि पी एट मिड पॉइंट, पी एंड क्यू मिड पॉइंट है इस और इस लेंथ का, ये और ये जो साइड है उस दोनों का मिड पॉइंट है और साथ में क्या है पैरेलल भी है, तो ये जो पी क्यू लेंथ होता है हमेशा हाफ ऑफ बी सी होता है, उस बड़े वाले लेंथ का आधा होता है। तो पी क्यू का लेंथ हमें पता है कितना, 3 सेंटीमीटर है, पुट कर देते हैं 3/1/2 बी सी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था बी सी का लेंथ। और ये देखते हैं कि कौन से ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन तो नहीं है, एम सी क्यू नहीं है, तो बी सी का लेंथ कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए बी सी त्रिभुज में बी सी सी ए और ए बी भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई और एफ है, ई एफ ए डी को ओ बिंदु पर काटती है, ए डी 6 सेंटीमीटर, तो ए ओ की लंबाई कितनी है, फिगर ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। तो पहले क्या दिया है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड ए बी, ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी एंड ए बी आर डी ई एफ, ठीक है, तो बी सी का मिड पॉइंट डी दिया हुआ है, ठीक है, और बी सी का सी ए का मिड पॉइंट है कितना, ई है, ई है, और ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है एफ, ए बी का मिड पॉइंट एफ दिया हुआ है, ठीक है, इट इज़ गिवन, ठीक है। एंड ई एफ इंटरसेक्ट ए डी एट द पॉइंट ओ, ई एफ इंटरसेक्ट ए डी, अच्छा ए डी को मिलाना होगा हमें
और ईएफ को भी मिलाना होगा, और कहाँ पर एक दूसरे को ओ बिंदु पे कट कर रहे हैं, ओ बिंदु पे कट कर रहे हैं। इफ ए डी 6 सेंटीमीटर, ए डी का लेंथ दिया हुआ है, ए डी इक्वल्स 6 सेंटीमीटर, देन राइट द लेंथ ऑफ ए ओ, तो हमें क्या निकालना है, ए ओ निकालना है। ठीक है, ए ओ निकालना है। तो इसे कैसे करें, ए ओ निकालना है। अगर मैं ऐसे करूँ कि ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ और बी सी अगर मैं करती हूँ, तो हमारे पास ई एफ तो है नहीं, ठीक है, हमारे पास तो ए डी है, तो ऐसे तो करना नहीं पड़ेगा, कुछ और तरीका लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको हमने मिला दिया और इसको मिला दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि जॉइन जॉइन एफ डी एंड एंड ई डी, एफ डी और ई डी को हमने मिला दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप देख सकते हो कि ये जो एफ डी है, एफ डी है, एफ डी एफ डी हो गया, तो एफ और डी क्या है, ऐसे लिखते हैं कि एफ एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड, ए बी एंड बी सी। ठीक है, ए बी एंड बी सी, जब मिड पॉइंट से जो रेखा जाती है तो जो वो मिलता है एफ डी हमें, तो एफ डी पैरेलल होगा किसके, ये एफ डी पैरेलल होगा किसके, ए सी के। तो हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एफ डी इज पैरेलल टू ए ई, ए। ठीक है, जब भी मिड पॉइंट की बात होती है ना, तो वो पैरेलल आएगा ही आएगा, जब दो मिड पॉइंट्स को मीट करते हैं ना, तो उसका जिस जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है उससे वो पैरेलल होता है। तो ये एफ डी पैरेलल हो गया ए सी के, तो हम कह सकते हैं कि एफ डी इज पैरेलल टू ए। ठीक है, तो एफ डी इज पैरेलल टू ए। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ई डी है, ई एंड डी आर द, ई एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ, ई मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी का एंड डी है बी सी का। तो हम लिख सकते हैं ना कि ई डी जो है, ई डी इज पैरेलल टू ए बी। दिस इम्प्लाइज दैट जब वो ए बी से पैरेलल होगा, ये ई डी जब ए बी से पैरेलल होगा, तो ई डी ए से भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ई डी इज पैरेलल टू एफ, या एफ ए या एफ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि ये दोनों, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं हैंस वी कैन से दैट ए एफ डी ई इज अ पैरेललोग्राम। लोग्राम, बहुत ही सिंपल ये ट्रिक मिल गया था। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो क्या होते हैं, डायगोनल्स, इसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण। पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, या कह सकते हैं कि बाइसेक्ट करते हैं। तो लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल से पैरेलल में बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसका मतलब AO इज इक्वल टू OD होगा। ठीक है, एंड FO इज इक्वल टू OE होगा। AD हमें पता है, लेकिन AD हमें पता है, तो जब ये और ये बिल्कुल इक्वल होगा, तो जब AD दे दिया है हमें, AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम AO निकाल सकते हैं ना, AO इज इक्वल टू 6/2 बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो दो भाग में बराबर बांट दिए देंगे इसे, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो AO का लेंथ कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। एक बार आप आंसर मैच कर लीजिए, मैं भी देख लूँ। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है, और अगर एग्जाम में आए तो आप फटाक से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज कंप्लीट कर लिया SAQ, और होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।